लड़का है, क्या हुआ? मेरा लड़का 7 साल का है, तो मेरा लड़का नहाने के लिए गया था। मेरे लड़कों ने, वो लोग ने पकड़ के मच्छी मारने के बहाने से पकड़ के मेरे लड़कों को जंगल में जाके गलत काम कराया और वो बकरी से मेरे साथ बात करा, मेरे को हाथापाई भी करने की कोशिश करा, पत्थर पकड़ा था बच्चों ने मारने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने बोला मैं पुलिस के पास चल जाऊँगी, तो लड़का फिर मैं पुलिस के पास आ गई, उसको लेके फिर पकड़ा दिया। कौन है वो लड़के जो जिसने गलत काम किया? लड़के मोहल्ले के लड़के लोग हैं, एक नेपाली एक मद्रासी है, तो वहीं रहते हैं वो लड़के लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आई पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने, तो मेडिकल भी कराना था, उस टाइम किसी ने बात भी सुना नहीं। फिर अभी 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद आज फैसला हुआ। उसके घर वालों ने क्या उसके घर वाले ने बोला था कि कोई नहीं, हम पैसे जितना भी खर्च लगे हम देवरेंगे, बोला पैसे का दबाव, बार बार पैसे का दबाव पा रहे थे। तो मैंने उनका बात जानने के लिए मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए। उसके बाद वो बोलती मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगी, तू जो मर्जी कर ले, और तू मेरा भाई को अंदर करने के बाद मैं तेरे को देखूंगी तू क्या करेगी, मैं तेरे ऊपर उल्टा केस करूंगी बोली है। तो MCG ने बोला कि कोई बात नहीं, 2 लाख रुपये दे के मैं छुड़ा लूँगा। कौन सा MC? मोहित सर, वो हमारा अपने बार का MC है, वो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, गलत का साथ दे रहे थे, सच्चाई का साथ नहीं दे रहे थे। पुलिस ने अभी तो कोर्ट में लेके गया, फैसला कराया, बयाना कराया हुआ है, तो अभी देखते हैं। पुलिस कह रहे कि हम कार्रवाई करेंगे, अब देखते करेंगे कि नहीं करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कार्रवाई करना है, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का लालच बहुत दिखा रहे थे। ये बताइए क्या हुआ सारा मामला, कितनी उम्र का आपका लड़का है, क्या हुआ? मेरा लड़का 7 साल का है, तो मेरा लड़का नहाने के लिए गया था, मेरे लड़कों ने, वो लोग ने पक कार्रवाई करना है, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का लालच बहुत दिखा रहे थे। ये बताइए क्या हुआ सारा मामला, कितनी उम्र का आपका लड़का है, क्या हुआ? मेरा लड़का 7 साल का है, तो मेरा लड़का नहाने के लिए गया था, मेरे लड़कों ने, वो लोग ने पकड़ के मच्छी मारने के बहाने से पकड़ के मेरे लड़कों को जंगल में जाके गलत काम कराया और वो बकरी से मेरे साथ बात करा, मेरे को हाथापाई भी करने की कोशिश करा, पत्थर पकड़ा था बच्चों ने मारने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने बोला मैं पुलिस के पास चल जाऊँगी, तो लड़का फिर मैं पुलिस के पास आ गई, उसको लेके फिर पकड़ा दिया। कौन है वो लड़के जो जिसने गलत काम किया? लड़के मोहल्ले के लड़के लोग हैं, एक नेपाली एक मद्रासी है, तो वहीं रहते हैं वो लड़के लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं आई पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने, तो मेडिकल भी कराना था, उस टाइम किसी ने बात भी सुना नहीं। फिर अभी 3 दिन हुआ, 3 दिन के बाद आज फैसला हुआ। उसके घर वालों ने क्या उसके घर वाले ने बोला था कि कोई नहीं, हम पैसे जितना भी खर्च लगे हम देवरेंगे, बोला पैसे का दबाव, बार बार पैसे का दबाव पा रहे थे। तो मैंने उनका बात जानने के लिए मैंने बोला कि मेरे को 2 लाख रुपये चाहिए। उसके बाद वो बोलती मैं 2 लाख रुपये नहीं दूंगी, तू जो मर्जी कर ले, और तू मेरा भाई को अंदर करने के बाद मैं तेरे को देखूंगी तू क्या करेगी, मैं तेरे ऊपर। एक 7 साल का बच्चा है, गौशाला रोड के कॉलोनी में रहते हैं। ये बच्चा अपने दोस्तों के नाल, दोनों के नाल खेलन गया सी नदी के ऊपर, उत्थे उन्होंने मद कुकरम होया, तो वो मम्मी जब पता लगे उ मौके पर गए, तो मम्मी ने बच्चे फट के हॉस्पिटल लैके गई, तो उत्थे असी फिर उन्होंने सानू दरखास्त दी, वो पर असी कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों के बरखिलाफ 377 IPC पासको एक्ट का पत्र दर्ज किया। हाँ दूसरी वो भी बच्चे ने, उन्होंने एक असी डेट ऑफ बर्थ का सर्टी भी लै रहे हैं, अरेस्ट हो जाएंगे। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।